दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ वीडियो से हमें पता चला है कि हम MBA के बारे में MBA के एडमिशन के बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं और अब तक वो वीडियोज़ आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर हमें IIM बेंगलोर में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस होगा। तो इस रिलेशन में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के द्वारा मैं देने का मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कोर्सेस सवाल होते हैं, जैसे कि IIM बेंगलोर में कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं, फ़ी रेंज क्या होगा, अगर वहां पे हमें एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या होगा, अगर वहां पे एडमिशन लेना है तो कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, अगर MBA वहाँ से हम करेंगे तो सैलरी पैकेज कितना हमें मिल सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओवरऑल परसेंटाइल रैंक जिसको हम PT बोलते हैं वो क्या हो सकता है अगर एडमिशन लेना है तो, और हॉस्टल फैसिलिटी और स्कॉलरशिप। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं और उससे भी सही और सभी उस सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान दिया जाने वाला है। तो जो लोग अब तक इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरा ये एकेडमिक इंसाइट चैनल, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब करें। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी यहाँ पे प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हमें IIM बेंगलोर में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर है। जो भी हमारे दिमाग में हमारे मन में सवाल हैं उसके सभी जवाब यहाँ पे हैं। उसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा सभी दोस्तों को, मेरे सभी दर्शकों को एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपको आपके दिमाग में जो सवाल हैं वो सभी सवालों के जवाब आपके इस वीडियो द्वारा आपको मिलेंगे। तो देखते हैं, जो IIM बेंगलोर है उसकी स्थापना जो हुई है 1973 में, जहाँ तक NIRF रैंकिंग का सवाल आता है, तो इस इंस्टीट्यूशन को सेकेंड रैंक दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा, दूसरा रैंक इसको दिया गया है। जहाँ तक कि कैंपस का सवाल है, और ये जो पूरा कैंपस है IIM बेंगलोर का 100 acres में पूरा विस्थापित हुआ है। यहाँ पे 100 acres जो लैंड है, इस 100 acres लैंड पे एक कैंपस वहाँ पे हमें दिख सकता है। और जहाँ तक कोर्सेज की बात है, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा 6 courses स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे कि MBA और हर प्रकार के, जैसे हम बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वहाँ पे ऑफर किए जाएंगे, और कुल मिला के जो संख्या है वो 6 है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल होता है कि वो कितना फ़ीस वहाँ पे होगा या अगर हमें वहाँ पे एडमिशन लेना है तो। तो फीस रेंज है 9.75 lakhs टू 25.9 lakhs, इस रेंज में हमें फ़ी देना होगा। फीस चार्ज किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 10 लाख से लेकर 26 लाख तक हमें फ़ीस देना है। फीस का सवाल यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगा, अगर वहाँ पे हमें एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या होगा। जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। हमें एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। 3 साल का जो ग्रेजुएशन का डिग्री होता है वो एनी डिसिप्लिन चलेगा, मगर आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें 50% मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल पे होना ज़रूरी है। अगर हम कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें 45 marks फॉर ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ये होगा क्राइटेरिया 1। अगर हमें वहाँ पे जाना है, एडमिशन लेना है, तो कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हमें IIM बेंगलोर में जाना है तो वहाँ पे कैट, GRE, GMAT, GATE ये एग्ज़ाम्स अलाउड हैं। आपको इन चारों एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और उसमें आपको परसेंटाइल लाना ज़रूरी है, क्रैक करना ज़रूरी है। जहाँ तक हाईएस्ट सैलरी पैकेज का सवाल है, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे 2020 की, तो वहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज जो स्टूडेंट्स को मिला है वो है 26.18 lakhs पर एनम, 26.18 lakh पर एनम बच्चों को एवरेज सैलरी पैकेज मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटी की। हॉस्टल फैसिलिटी कैंपस में ही अवेलेबल है और स्टूडेंट्स को दिया जाता है। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, अगर हम
क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर हमने दिया है, बात आता है सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर हमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाना है तो जो भी हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसका परसेंटाइल प्लस ग्रुप डिस्कशन जिसको हम जीडी बोलते हैं प्लस पर्सनल इंटरव्यू, ये पूरा स्कोर वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन वहाँ पे किया जाएगा। जहाँ तक पिछले साल का ओवरऑल परसेंटाइल रैंक पीटी का सवाल है, यहाँ पे मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही लिया है, अदरवाइज कैटेगरी वाइज बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है, वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही कंसिडर किया है। और जहाँ तक जनरल कैटेगरी का सवाल है वो ओवरऑल परसेंटाइल रैंक है 85%, तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है। मुझे लगता है दोस्तों इस वीडियो दौरान जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया वो आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है उसको भी प्रेस करिए कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। साथ ही में जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो वीडियो आप लाइक करेंगे उसको शेयर करना ना भूलिएगा आपके अपने दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कमेंट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है उस कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा ताकि हम इस वीडियो को और इस प्रकार के वीडियोस को आगे जाके और भी बेहतरीन बना सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।